ये लगभग 20 तारीख की बात है, शाम 3:30 4 बजे की घटना है। जब दूसरे दिन 21 तारीख को हमने ये वीडियो देखा, वीडियो वायरल हुआ, जब उसमें हमने अपने बच्चों को पहचाना कि कुछ इसमें कुछ विद्यार्थी हमारे विद्यालय के भी संलिप्त हैं और कुछ निजी विद्यालय के बच्चे हैं। मैंने तत्काल अपने विद्यालय प्रबंधन समिति की आकस्मिक बैठक और अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई पिछले कल 22 तारीख को तत्काल, और वे बच्चे जो उसमें संलिप्त थे उनके अभिभावकों को बुलाया, माता पिता दोनों को बुलाया, और उन बच्चों को अपने विद्यालय से, विद्यालय प्रबंधन समिति ने जो निर्णय लिया और हमें मिलजुल करके निर्णय लिया कि विद्यालय का मान सम्मान और गरिमा बनी रहे, जैसा कि इस विद्यालय का नाम था, अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है विद्यालय, तो हमने इस विद्यालय के मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया कि उन बच्चों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, उनको विद्यालय से हमने निकाल दिया है। रहेगी स्वाभाविक है, बच्चा बच्चा है, कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसमें हम क्या संस्कार डालते हैं, ये सभी का दोहरा कार्य है। जितना उत्तरदायित्व तो अध्यापकों का बनता है, उतना उत्तरदायित्व तो माता पिता का भी बनता है। बच्चा 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक या 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय में रहता है, अध्यापक पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपना उत्तरदायित्व तो समझते हुए कार्य करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी बच्चे के विद्यालय से घर की दूरी 10 मिनट की है, वो बच्चा घर में 2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो क्या उसके माता पिता का ये फर्ज नहीं बनता उसको पूछना कि तू 2 घंटे कहाँ था। हम अपने विद्यालय की बात करें, हमने कल विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मीटिंग बुलाई उसमें यह निर्णय लिया है, और पहले भी था, कि जो भी बच्चा विद्यालय में किसी भी प्रकार की उद्दंडता या किसी प्रकार के इस प्रकार के कार्य करेगा वो बिल्कुल सहनीय नहीं है, बहुत शर्मनाक घटना है। हम भी इसको बिल्कुल समर्थन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और विद्यालय में स्वाभाविक है कि हमेशा विद्यालय में अनुशासन, देखिए पढ़ाई बाद की बात है, पहले अनुशासन की बात है, अनुशासन होगा पढ़ाई होगी, संस्कार विहीन बच्चे होंगे कोई पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। संस्कार दिया जाए, बच्चों में अनुशासन हो, बच्चों में नियमितता हो, तो हम अपने विद्यालय में स्वाभाविक इस प्रकार के किसी भी कार्य को सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी इस प्रकार। और हम अपने उन मीटिंग में हमने माता पिता को भी बुलाया, और जैसे आज हमारी शिक्षा संवाद का कार्यक्रम भी विद्यालय में होना निश्चित है, उसमें जितने भी अभिभावक उनको बुलाया गया है, उसमें भी इस बात को दोबारा दोहराया जाएगा कि अपने अपने बच्चों को हम भी अपना उत्तरदायित्व तो समझें, आप माँ अभिभावक भी अपना उत्तरदायित्व तो समझें, और मिलजुल करके बच्चों को अच्छे संस्कार डालें ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना दोहराई जाए। ओम साई ज्वेलर्स के शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी ज्वेलरी के आधुनिक और विवाह शादियों के पारंपरिक डिजाइन्स के।